अलामत आपका प्यार आपके प्यार में पागल दीवाना है। अगर आप अपनी चंद ही मुलाकातों में या रबते में रहकर उस हैंडसम पर फिदा हो गई हैं और आप इस बात को अगर अच्छे से नहीं जानती कि वो आपको लेकर संजीदा है या नहीं, तो यह मसला दुनिया की तमाम खवातीन के साथ होता है। सच तो ये है कि मर्द औरत को तरपा कर महफूज होते हैं, यानी इंजॉय करते हैं और अपने जज्बात एहसासात को जाहिर करने में कुछ देर लगाते हैं, लेकिन कुछ निशानी ऐसी हैं जिन्हें वो चाहते हुए भी छुपा नहीं सकते कि वो आपके प्यार में पागल दीवाने हैं। सब्सक्राइब जो लोग मेरी वीडियोस को शौक से देखते हैं और पसंद करते हैं उसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो मेरी आने वाली नई वीडियो पलक झपकते ही आप तक पहुँच जाएगी और आपको मेरी वीडियोज़ को तलाश करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। पहली अलामत, अगर वो आपको तलाश करे, अगर आप ये जानना चाहती हैं कि वो आपका दीवाना है या नहीं, तो देखें कि क्या वो आपको सोशल मीडिया पर या सच में हाजिर ना पाकर आपको ढूंढता है। अगर वो आपको ढूंढ निकालता है तो समझ जाए कि वो आपके बगैर नहीं रह सकता। दूसरी अलामत, अगर आपके ज़ाती ज़ोक में दिलचस्पी जाहिर करें, जब एक आदमी मोहब्बत में होता है तो इन चीज़ों में दिलचस्पी जाहिर करता है जिन चीज़ों में आपको दिलचस्पी है। दिलचस्पी जाहिर करने का मकसद आपका हुसूल है कि इस तरह आप उसके साथ रहें और उसके बहुत क्लोज हो जाएं। तीसरी अलामत, अगर आपकी परवाह करें, मर्द कुदरती तौर पर हिफाजत करते हैं और बात अगर औरत की हो तो उसे प्यार भी करते हैं और देखा जाए तो उसके बॉडी गार्ड बन जाते हैं। अगर वो प्यार में हो तो आपकी सेहत का, आपकी खुराक का अच्छे से ख्याल रखेंगे। अगर वो यूनिवर्सिटी में हो तो आपकी मदद करना चाहेंगे। अगर आपने ये मालूम करना है कि वो आपसे प्यार करता है या नहीं, तो देखें कि क्या वो आपसे बाखबर रहता है। अगर वो आपकी खबर रखता है तो समझ जाएं कि वो आपका दीवाना है। चौथी अलामत, अगर आपकी तारीफ करे, जब मर्द मोहब्बत में होता है तो अपनी नज़र अपने अल्फाज से ही बहुत कुछ साबित कर देता है कि वो आपका दीवाना है। अगर वो आपके साथ अच्छा अच्छा महसूस करे और आप में मौजूद खूबियों और आपकी खूबसूरती को बढ़ा चढ़ा कर बयान करे, तो आपको इस बात का यकीन कर लेना चाहिए कि वो आपका पागल दीवाना है। पांचवी अलामत, अगर वो आपको स्पेशल समझे, अगर आप सोशल मीडिया पर किसी पार्टी में हो या किसी तकरीब में या किसी आवामी जगह पर, तो वो आप पर तवज्जो देने में नाकाम नहीं होगा, बल्कि आप हर जगह पर उसके लिए खास, उसके लिए अहम, उसके लिए स्पेशल रहेंगे। छठी अलामत, अगर आपको उसकी आंखों में चमक नज़र आए, याद रहे आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। अगर उसकी आंखें खुश्क और बेजान हो तो उसे भूल जाएं, लेकिन अगर वो आपको चमकीली आंखों से देखता है, मुस्कुराता है और किसी न किसी तरह आपके पास आने की, आपको छूने की कोशिश करता है, तो फिर ये बात यकीनी है कि वो आपका दीवाना है। सातवीं निशानी, अगर वो आपको वक्त दे, उसे जितना भी काम करना हो, पढ़ना हो, हज़ार मसाइल हल करने हो, लेकिन इसके बावजूद उसके पास खास आपके लिए वक्त हो, अगर चाहे वो वक्त कम ही क्यों ना हो, वो आपको जवाब दे, कॉल करे, तो समझ जाए कि वो आपका दीवाना है। आठवीं निशानी, अगर वो मुखलिस हो, अगर वो सच में मोहब्बत करता होगा, तो याद रहे कि मोहब्बत करने वाले लोग मुखलिस होते हैं, वो झूठ नहीं बोलते बल्कि झूठ से बचते हैं और हमेशा पूरी कोशिश करते हैं कि शफाफ रहे। अगर ऐसा है तो समझ जाए कि वो आपसे प्यार में है। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़ा मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।